तो भैया भूल गए पासवर्ड, तो क्या करें? फ़ोन हमारे पास एंड्रॉइड का है, वीवो, ओप्पो, MI और पोको, एवरीथिंग। अगर कोई आपका आपका कम से कम बस 30-40 हज़ार का फ़ोन ना हो, उसमें आपकी सिक्योरिटी थोड़ा हाईफाई हो जाती है, बस कम रेंज में आपका फ़ोन है आपके पास, पासवर्ड वगैरह भूल चुके हो, आप मोटोरोला वगैरह उनका फ़ोन भी आप ले सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल अभी है इंटेल का, मेरे पास ये फ़ोन आया है, और इसमें इशू क्या है कि भैया पासवर्ड वगैरह इसमें भूल चुके हैं, और रीसेट वगैरह हमने मारा, फॉर्मेट रीसेट जो मारते फैक्ट्री रीसेट मारने के बाद, इस तरह का इशू आ रहा है। ये रहा, आप देख रहे हो, ये इशू आ रहा है, इस तरह का इशू आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। लैंग्वेज वगैरह मांग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते समय आपसे ये पूछ रहा है कि ये आपसे वाईफाई मांगेगा, अभी स्टार्ट करा मैंने, ये देखो आपसे ये मांग रहा है सिम वगैरह निकालने के लिए, स्किप कर रहा, तो स्किप करने के बाद आपसे पूछेगा आपको इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट करना है, तो ये आपका वाईफाई वगैरह ये पूछेगा वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्टिविटी के बारे में ये कनेक्ट करो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे आपसे क्या मांगेगा, जीमेल आईडी है, फ़ोन का भैया पासवर्ड वगैरह में याद नहीं है, और हमने इसको फैक्ट्री रीसेट मारा, तो उस टाइम पे हमारी दिक्कत क्या आती है, फैक्ट्री रीसेट मारने के बाद हम इस तरह भूल जाते हैं, हमें आगे खोलने के लिए दिक्कत क्या आती है, हमें दिक्कत ये आती है कि भैया उसमें हमारा मांग रहा है जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालने के लिए बोल रहा है। यार क्या डाली जी, हमने जीमेल आईडी क्या बनाई थी, क्या पासवर्ड क्या बनाया था, भूल गए। उसको भी सलूशन ये है कि हम खोल सकते हैं, एक तरीका है, वो तरीका इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा, तो वीडियो पूरी वॉच कर लेना कि हम इस फ़ोन को कैसे पूरा खोलने वाले हैं, इस तरीके को कैसे खोलेंगे। बहुत इजी सेटअप है, कुछ नहीं करना, बस एक दो फॉलो आपको फॉलो करना है, उसको देखने के बाद आप इजीली इसको कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ करना क्या है। तो पहले आप अपनी एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लो, अपने एक फ़ोन से लिंक करने के बाद, मतलब फ़ोन उसमें डालकर अपनी एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लो, बना लो जीमेल आईडी को, बस ये आपको करना है, अपनी न्यू जीमेल आईडी बना लो, उसके बाद आपका प्रोसेस क्या करता है अब देखिए। तो मेरे पास ये है इंटेल का फ़ोन है, आप देख सकते हो, ये रहा आपका मॉडल वगैरह, इस तरह आपका पीछे सरफेस आपको देखने को मिलेगा, पीछे का आपका बैक वगैरह ये है, ठीक है। तो इसको हमें खोलना है, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, तो खोलने के सबसे पहले हमारी जो हमसे ये स्टार्टिंग मांग रहा है फैक्ट्री रिसर्च करने के बाद, इस तरह कुछ आपका अंदर का होम पेज आपको देखने को मिलेगा, हमें ये करना है सबसे पहले। अब हमसे मान लेते हैं एक बार पावर ऑफ दबा के रखेंगे, ये रहा ऑप्शन आ गया, अगर इससे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसे दबा के 8 सेकंड तक रख लो, दबाकर ऑटोमेटिकली पावर ऑफ खुद ही हो जाएगा, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हम इसे पावर ऑफ हमें कर लेते हैं, पूरा फ़ोन हमारा पावर ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हमारा आगे का काम हमारा स्टार्ट होगा इसके बाद, तो ठीक है। हमारा पावर पूरी ऑफ, मतलब पूरी तरह हमारा पावर ऑफ ये हो चुका है। आप क्या हमें करना क्या है, आपका दिख रहा है ये आपका पावर बटन, इस बटन को आपको दबाना है, और ये वॉल्यूम डाउन इसका बटन आपको दबाना है, दोनों को एक साथ आपको ये एक साथ ही आपको दबाना है, कुछ नहीं करना। ये मैंने इसको मैंने सिर्फ पकड़ा है, और इसको मैंने ये पकड़ा है, अब दोनों को मैं एक साथ ही दबाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। 1 2 3 अब आपके सामने ये मैंने दबा के रखा है, होल्ड में करूंगा थोड़ी देर तक, जब तक इसके अंदर आपकी लाइट नहीं चल जाती है, ये दबा के रखूंगा। ऊपर का मैंने छोड़ रखा है, आप देख रहे हो वॉल्यूम आपका छोड़ रखा है, वॉल्यूम डाउन मैंने दबाया है, और पावर मैंने बटन दबाया है, बस इन दोनों को आपको दबा के रखना और कुछ नहीं करना है। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपके जितने सस्ते फ़ोन आएंगे थोड़ा टाइम लगता है, छोड़ देंगे इसे, ठीक है। अब आपका इस तरह का होम पेज आपको देखने को मिलेगा, अभी आपको होने देते हैं स्टार्ट। ओके, तो आपको इस तरह की आपको सेटिंग आपको ये देखने को मिलेगी, जब आपको पावर ऑफ पावर ऑन करोगे इस तरह की आपको सेटिंग देखने को मिलेगी, तो ठीक है। अब आप नज़दीक से एक बार देख लीजिए, फिर आपको इसमें अंदर करना क्या है, अब आपको आना सबसे नीचे, ये नीचे आओगे इस नंबर पर, 5वें नंबर पर जब आओगे तो नीचे आपको दिखाई देगा वाइड डाटा फैक्ट्री रीसेट, आपको ये दबाना, ध्यान से एक बार देख लीजिए नज़दीक आकर, ये रहा, ये आपको करना है इस, आपको इस बटन के ज़रिए, ये दिख रहा है आपको पावर वाला, इस पर आने के बाद, और आप कैसे आओगे, ये वॉल्यूम के ज़रिए, ऊपर दबाओगे तो आप ऊपर जा रहे हो, नीचे दबाओगे तो आप नीचे आ रहे हो, तो ठीक है आपको ये करना है, और ये करने के बाद आप इस पर जब आ जाओगे तो ओके का ये बटन होता है, मतलब कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए, तो ये मैंने दबा दिया। उसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन आपको मांगेगा, कैंसिल का और फैक्ट्री डाटा रीसेट का, तो हम वॉल्यूम से दोबारा नीचे आ जाएंगे, आए और दोबारा हम इसको दबाएंगे उस चीज़ उस बटन से ही। ओके, बस अब हमारा कुछ काम नहीं है, नीचे आपको दिख रहा होगी इस तरह आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, अब कुछ नहीं करना, काम खत्म। अब हमें क्या करना है, उस हमें करने के लिए आपको सबसे पहले ये दबाना ओके, ऊपर भी ऑप्शन है, ऊपर भी रहने देंगे, रीबूट सिस्टम नाउ आपको दिख रहा होगा, ये रहा, इसी को कर देंगे हम ओके, ये ओके कर दिया बस। अब आपका फ़ोन कुछ टाइम बाद आपका ऑन अपना आप हो जाएगा, लेकिन वैसे ऑन नहीं होगा कि आपको होम स्क्रीन खोल लोगे, अभी फ़िलहाल आपका हमने फैक्ट्री रीसेट मारा है, अब उसका हम जीमेल आईडी का जो इशू है अब उसको हम दूर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको अपनी एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है मोबाइल नंबर से,
न्यू जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो बस हमें ये हमने खोला है, अगर आप अपनी जीमेल आईडी भूल गए हो तब ये आपके काम, ये ट्रिक आपके काम तब आती है, वैसे काम नहीं आएगी। ओके, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, इंटेल का लोडिंग आपको चल रही है, मैं स्किप वगैरह कुछ नहीं करूँगा, आपके सामने पूरी कंटिन्यू वीडियो आपके सामने सामने चलती रहेगी, और आपको इसी वजह से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन में कोई भी ऐसा इशू वगैरह आता है, कोई भी आपका फ़ोन हो, एंड्रॉइड को सस्ते फ़ोन होते हैं उसमें आप भूल चुके हो जीमेल आईडी वगैरह, और भी आप लोग वगैरह आप फैक्ट्री रिसेट कर देते हो, तो आप कैसे उसको ऑन कर सकते हो बिना जीमेल आईडी के, मतलब कि आप न्यू जीमेल आईडी बनाओ, पुरानी जीमेल आईडी भूल गए कोई दिक्कत बात नहीं है, अब ईजिली इसको आप फ़ोन को खोल सकते हो। मेरे पास इंटेल का वाला फ़ोन है तो ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोडिंग ये लेता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है बहुत कम प्राइस की कीमत में आता है वाला फ़ोन, इसलिए ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोडिंग ही लेता है। तो हम इसे लेने देते हैं, थोड़ा सा अभी इशू वगैरह आ रहा है, आपके चलने देते हैं। तो मेरा ऑन हो चुका है, अब हमें करना क्या है, इस तरह का मेरा इसमें आपका होम स्क्रीन आपके आई है, आपके आपके फ़ोन में शायद कुछ और होम स्क्रीन आए, मेरे में आ रही है, आपको कोने पे दिखाई दे रहा होगा छोटा सा लॉक, ये रहा, बाकी आपकी ये बैटरी वगैरह आप दिख रही होगी, बाकी इस तरह मेरे में दिखिए, आपके फ़ोन में कुछ और आ सकती है, शायद सेम भी आपकी आ सकती है। तो फिलहाल मैं करूँगा इसको नेक्स्ट, लैंग्वेज वगैरह जो आपको सेलेक्ट करनी होगी आप वो अपने मर्जी से कर लेना, फिलहाल तो आप इंडिया में तो आप इसी रखोगे यूएस को, मैं आप करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अभी पूछेगा आपको आप कौन सी कंट्री से हो, हम इंडिया से ही हैं तो करेंगे इसे नेक्स्ट। ओके, अभी आप पूछ रहा है कि आपको सिम इसमें निकालनी है, अगर सिम आपकी पड़ी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिलहाल मेरी इसके अंदर कोई भी सिम वगैरह इसके अंदर मेरी पड़ी हुई नहीं है। ओके, ये मेरा मैंने पिन लिया और इसमें मैं मारता हूँ एक बार छेद। ओके, ये मैंने निकाला तो मेरी कोई भी इसके अंदर सिम और मेमोरी कार्ड मेरी नहीं पड़ी है, पूरा खाली है, मैं वापस इसमें डाल दूँगा। ओके, डालने के बाद अब आपका ये इशू वगैरह यहाँ से ख़त्म हो चुका है, अब आपको कर देना स्किप। ओके, स्किप करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि वाईफाई का इसमें आपको कनेक्ट करना है, तो ठीक है मैं इसमें वाईफाई वगैरह इसमें कनेक्ट मैं कर देता हूँ। ओके, और मैंने जैसे ही वाईफाई कनेक्ट करा मेरे सामने इस तरह का होम स्क्रीन आया है, आप दिख रहे होगा ऑपरेटिंग का ऑप्शन है और बैटरी वगैरह मना करने के लिए बोल रहे हैं और आपसे क्या क्या ऑप्शन मांग रहे हैं, ये चीज़ में आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करूँगा मैं कर दूँ सीधा नेक्स्ट कर दूँगा वाईफाई कनेक्ट करने के बाद, और कुछ नहीं करना, ये मैं करूँगा आई हैव पर। ओके, ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, आप कर देंगे इसे दोबारा नेक्स्ट, लोडिंग चल रही है। अब ये लोडिंग का टाइम जो चलता है आपका गाइस, ये मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट का इसमें टाइम लगता है, तो फिलहाल मैं इसे लोडिंग पर रहने देता हूँ, उसके बाद आगे का सिस्टम ये मांगेगा, वो मांगता है आपका आपसे फ़ोन की की डालने के लिए, और उसके बाद अगर आपको की नहीं पता तो आप इसमें जीमेल आईडी का ऑप्शन भी आता है, उसको ज़रिए भी आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ठीक है, लोडिंग वगैरह इसमें होने देते हैं, और कितना टाइम लगता है तो या थोड़ा सा वेट इसमें हमें करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा आ चुका है, हमें कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना पड़ा, अब इसमें ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, दूसरा आ रहा है डोंट कॉपी का, तो हमें डोंट कॉपी करना भैया, नेक्स्ट नहीं करना, तो डोंट कॉपी पे हम क्लिक कर देंगे, और डोंट कॉपी पे क्लिक करने के बाद दोबारा सेम वैसी ऑप्शन आपको देखने को मिला लोडिंग वाला, तो इसे होने देते हैं, हो गया। अब आपसे इसने क्या मांग रहा है, वेरीफाई पिन, आपको जो पिन वगैरह उसमें आप डालना होगा, नहीं पता मैं भैया पिन हम नहीं डाल ले, ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यूज़ माई गूगल अकाउंट, इस पर करना आपको क्लिक, ये आपने करा लोडिंग का ऑप्शन आपका हुआ, फिर आपका ऑप्शन वो खुल जाएगा जीमेल आईडी का मांगने वाला, तो थोड़ी सी चेकिंग वगैरह ऑप्शन, अब आप मांग रहे हैं आपसे जीमेल, जीमेल आईडी अभी हम भूल चुके हैं, हमें जीमेल आईडी इसका नहीं पता, करेंगे फॉरगेट ईमेल, फॉरगेट ईमेल पे करेंगे, लोडिंग होगी। अब ये लोडिंग होने के बाद अब आपके ऊपर ऑप्शन आ रहा है फ़ोन नंबर या फ़ोन नंबर इसमें डालने के लिए या फिर ईमेल आईडी वगैरह डालने के लिए, हम डालेंगे फ़ोन जो हमने न्यू अभी जीमेल आईडी जो हमने बनाई है उसका फ़ोन नंबर इसमें हम डालेंगे, जिस नंबर से हमने न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करके बनाई है, तो ठीक है अब इसमें हम डालेंगे फ़ोन नंबर, वही वाला इसमें मैं नंबर डाल देता हूँ जो मैंने अभी जिस जीमेल आईडी जो मैंने क्रिएट करी है। ठीक है, मैं नंबर और फ़ोन मैंने नंबर डाल दिया है, अब मैं करूँगा इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद लोडिंग स्टार्ट हुई, अब आपसे पूछ रहा है ये नाम, ठीक है मैंने जिस नाम से मैंने जीमेल आईडी मैंने स्टार्टिंग में नेम जो भरा था मैं वही नेम इसमें भर दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसी नॉर्मली बना दी थी मैंने, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, एक तरह का डेमो है ये।
फ़ोन नंबर और नाम डालने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एक OTP का, होगा जब आप आगे बढ़ जाओगे उसके बाद एक OTP ऑप्शन आता है। OTP वगैरह उसमें मैंने फिल कर दिए, अब मैं करूँगा उसको सीधा नेक्स्ट करूँगा और कुछ नहीं करना। बाकी अब लोडिंग यहाँ पर आपके सामने चल रही है, आप देख रहे हो ये लोडिंग आपके सामने चल रही है। क्योंकि आप शुरू में जब स्टार्टिंग में आप फ़ोन नंबर डालोगे, फ़ोन नंबर डालने के बाद उसके बाद आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालोगे, उसके बाद जब नेक्स्ट करोगे तो वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद एक OTP आपके पास जाएगी। क्योंकि OTP से जाती है, क्योंकि वेरीफाई उससे करना होता है। ये बूम खुल गया, ये आपके सामने खुला हुआ दिख रहा है, ये ध्यान से प्रणाम पढ़ लो। ये कुछ नहीं हो रहा, सब फेक है, कुछ नहीं है। आप जो सोच रहे हो ये समथिंग वांट रहा हूँ जो लास्ट में लिख के आया है, इसका मतलब ये है कि आप जितने भी ईमेल ट्राई कर लो, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, टाइम वेस्ट है भाई, नहीं खुलता फ़ोन। एक तरह का है बस ये, कभी कभार आपका तुक्का लग गया, 1 पॉइंट आपको चांसेस लगता है, लेकिन 99 आपके परसेंट आपके लोग ऐसे नहीं खुलते हैं। ये मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो सोच रहे हो भाई मैं सारे जुगाड़ लगा लूँ, फ़ोन खोल लूँ, तो फ़ोन नहीं खुलते यार। ओ फ़ोन तो खुला ही नहीं, और आप सोचोगे वीडियो पूरी देखी और एंड में बता दिया प्रैंक। भाई कोई प्रैंक नहीं था, एक सच्चाई थी। अगर मैं आपको ये छोटी सी क्लिप को मैं स्टार्टिंग में मैं बना के आपको दिखा देता, आप देखते बिल्कुल नहीं, आपके सर पे भूत सवार था भाई। मैं खुद ही यूट्यूब से वीडियो देखकर मैं खुद ही फ़ोन को खुद ही खोलूँगा। तो अब ये वीडियो में स्टार्टिंग में मैं बोल देता, आप वीडियो को नहीं देखते, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मैं पूरा प्रोसेस में आपको दिखाया कि आप किस तरह कोशिश करोगे, फ़ोन को ऑफ़ करोगे, फैक्ट्री रीसेट करोगे, रिबूट मारोगे, ये करोगे वो करोगे, वहाँ तक पहुँचोगे तो आपका क्या रिजल्ट आपका आएगा, ये आता है कि फ़ोन नहीं खुलता है। इसलिए मैंने वो सच्चाई इस तरह मैंने बनाई, एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका समय मैंने वेस्ट करा, लेकिन समय वेस्ट करने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप ज़्यादा ना भटको। सीधा भैया फ़ोन में कुछ उल्ट चले, कुछ कांड हो जाए, मोबाइल रिपेयरिंग वाले शॉप के पास चले जाओ, उसको दिखा दो फ़ोन, आपको वो खुद ही खोल के दे देगा। 250-300 रुपये खर्च होंगे लेकिन फ़ोन तो आपको चालू हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। आपके जो फ़ोन खुलने के चांसेस होते हैं, अगर ऐसे फ़ोन खुलने लग गए वीडियो देख देख कर, भैया फ़ोन चोरी होंगे, खुद ही खोलेंगे, खुद ही वे इंजीनियर बन जाएंगे, भैया मैंने फ़ोन अपना भी खोल लिया। जीमेल आईडी वगैरह लॉगिन करने के बाद, फ़ोन नंबर वगैरह लॉगिन करने के बाद जो करेक्ट है तब जाके खुलता है। अगर आप किसी की भी जीमेल आईडी वगैरह ला डाल कर ऐसे खोलने लग गए तो फ़ोन ऐसे आराम से हर कोई खोलने लगेगा। मोबाइल वाले जो अपने पूरा अपना सिस्टम जो लेके बैठे पड़े ना, ये सॉफ्टवेयर वगैरह लेके बैठे पड़े हैं, अपना रिपेयरिंग के जुगाड़ करके बैठे पड़े हैं, पैसे कमाने के लिए वो भी पैसा खर्च करके बैठे पड़े हैं, तब वो खोल के देते हैं। डब्बा लगता है, ईमेल नंबर लगता है, आधार कार्ड नंबर लगता है, उसके बाद आपका ये खुलता है वेरीफाई करने के बाद। ऐसे कोई भी आपके नॉर्मली नहीं खुलते हैं, तो एक तरह का फेक है। मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो मैंने बनाई है, जो आप सोच रहे हो कि आराम से खुल जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबी बनाई बनाई है। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा एक थ्रिल इकट्ठा हो रहा होगा, अब खुलेगा, एंड में पता लगेगा ये नहीं खुला। ये सीरियस है, फ़ोन ऐसे नहीं खुलते हैं, जो आप सोच रहे हो कुछ जुगाड़ लगाने से खुल जाता है, फेक न्यूज़ है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा वीडियो देखने के बाद, और वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इस वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। गाइज जय हिंद, जय भारत।